Good morning to my old dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our 17th chapter, The Merchant's Caravan. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द मर्चेंट्स कारवां. द मर्चेंट्स कारवान यानी व्यापारियों का एक समूह, व्यापारियों का एक काफिला. ये कहानी बच्चों व्यापारियों के बारे में है कि पुराने समय में जो व्यापारी होते थे वो एक समूह बनाकर यात्रा किया करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि रास्ते में कोई उन्हें लूट ना ले. तो आज हम उन व्यापारियों के बारे में बात करेंगे कि उनका सफ़र कितना कठिन था. सो नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर. सब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे लाइन टू लाइन. Abdul was a big merchant of Baghdad. He dealt in a fine silks and rugs. Once he wished to send his goods to a country on the other side of the sandy desert. Means Abdul was a big merchant of Baghdad. Abdul Baghdad शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था. He dealt, tell का मतलब होता है लेन देन करना, खरीदारी करना, बेचना. He dealt in fine silks and rugs, यानी वो अच्छे रेशमी और जो rugs का मतलब होता है कालीने, बड़े बड़े कपड़े को बेचा करता था और खरीदा करता था. Once माने एक बार. He wished to send his goods to a country, एक बार उसकी इच्छा हुई कि वो अपने goods को यानी अपने सामान को दूसरे देश में जाकर बेचे. On the other side of the sandy desert. Sandy desert का मतलब जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के दूसरी तरफ जो देश है वहां जाकर वो अपना सामान बेचे, ऐसी उसकी इच्छा हुई. अब्दुल owned a large caravan of camels. Camels were the only animals strong enough to travel over the desert with heavy loads. He had many men in his service also. Means अब्दुल owned a large caravan of camels. अब्दुल जो था एक ऊँटों का जो समूह था, a large caravan था, उसका क्या था, मालिक था. ओवन का मतलब मालिक या अधिकार होना. वो एक बड़े ऊँटों के समूह का मालिक था. कैमल्स वर द ओनली एमल्स, जो ऊँट है वो केवल वही एक ऐसे जानवर हैं जो स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रैवल ओवर द डेजर्ट विद हैवी लोड्स, यानी ऊँट ही ऐसे जानवर हैं जो भारी वजन लेकर रेगिस्तान में चल सकते हैं काफी दूरी तक. He had many men, उसके पास काफी सारे आदमी भी थे. In his service also, जो उसकी सेवा में लगे हुए थे. Now let's see the next stanza. For many days, Abdul and his men had been preparing for the journey. The canvas, tents and the poles were placed upon one camel. Great leather bottles of water were loaded upon another camel. Firewood and bags of rice and barley meal were placed upon still another. It required many camels to carry the मर्चेंट्स गॉड्स. मीन्स फोर मैन डेज, माने कई दिनों तक अब्दुल एंड हिज मैन, अब्दुल और उसके जो आदमी थे, हैड बीन प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना, वो तैयारी कर रहे थे फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए. द कैनवास टेंट्स, यानी उन्होंने टेंट बनाने के लिए अपने पास सामान रखा. द पोल्स, पोल्स का मतलब होता है बांस, या फिर जो बांस जिनसे हम टेंट बनाते हैं वो सामान रखा. वर प्लेस अपॉन वन कैमल, यानी एक ऊंट के ऊपर उन्होंने क्या रखा, टेंट लगाने का सामान रखा. ग्रेट लेदर, यानी लेदर बोटल्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी जो बोतलें होती हैं जो लेदर की बनी होती हैं उन्हें रखा. वर लोड अपॉन अनोदर कैमल्स, दूसरे ऊंट पर उन्होंने क्या रखा, पानी की बोतलें रखी. फायरवुड का मतलब जलाने की लकड़ी. एंड बैग्स ऑफ राइस, चावलों के बैग, लकड़ी लकड़ी रखी, चावलों के बड़े बड़े बैग रखे. एंड बाले मील्स वर प्लेस अपॉन स्टिल अनोदर, और दूसरे ऊँटों पर उन्होंने क्या रखा, अपने खाने पीने का सामान रखा. गेहूं रखे, चावल रखे, सारा सामान उन्होंने ऊँटों पर लाद दिया.
इट रिक्वायर्ड मैनी कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट्स गोस्ट, मर्चेंट गुड्स यानी व्यापारियों के सामान को ले जाने के लिए बहुत सारे ऊंटों की आवश्यकता थी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा. एट लास्ट द कारवां वॉज रेडी फॉर द जर्नी. द सन शोन ब्राइटली मेकिंग द सैंड सो हॉट दैट नो वन कुड वॉक अपॉन इट इन द डे टाइम बट एट नाइट बोथ मैन एंड कैमल्स कुड ट्रेवल इजली. मीन्स एट लास्ट का मतलब आखिरकार, अंत में द कारवां जो उनका काफिला था वॉज रेडी फॉर द जर्नी, वो यात्रा के लिए तैयार हो गया. द सन शोन ब्राइटली, सूरज बड़ी तेजी से चमक रहा था. मेकिंग द सैंड सो हॉट, सूरज की वजह से जो रेत था वो बहुत गर्म हो गया था. दैट नो वन कुड वॉक अपॉन इट इन द डे टाइम, यानी वो रेत इतना गर्म हो गया था कि दिन के समय उस पर कोई चल नहीं सकता था. बट एट नाइट, लेकिन रात के समय बोथ मैन एंड कैमल कुड ट्रेवल ईजली, लेकिन रात के समय जो इंसान है, जो ऊंट है, वो आसानी से उस पर चल सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा. सो अब्दुल सेड टू द मैन, बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट. गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड फीड देम वेल. For we shall have a long, hard journey. Abdul and his men traveled all that night. One man was the pilot. He rode ahead, for he knew the stars and by them he could guide the caravan. Means, so इसलिए Abdul said to the man. Abdul ने अपने आदमियों से कहा, बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट, कि आज रात सूरज छिपने के बाद आप क्या हो जाना, रेडी तैयार हो जाना. गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, यानी अपने ऊंटों को काफी मात्रा में उन्हें पीने के लिए पानी देना. एंड फीड देम वेल, और उन्हें अच्छी तरह खाना खिलाना. फॉर, क्योंकि वी शैल हैव अ लॉन्ग हार्ड जर्नी, क्योंकि हमें जो है एक लंबी और एक कठिन यात्रा करनी है. अब्दुल एंड इज मैन ट्रेवल ऑल दैट नाइट, यानी अब्दुल ने और उसके आदमियों ने पूरी रात यात्रा की. वन मैन वॉज द पायलट, एक आदमी उसमें क्या था, पायलट था, चालक था, जो उन्हें रास्ता बता रहा था. ही रोड अहेड, वो आगे चल रहा था. फोर माने क्योंकि, ही न्यू द स्टार्स, क्योंकि वो तारों को जानता था कि तारे भी हमें दिशा दिखा सकते हैं, उसे तारों के बारे में ज्ञान था. एंड बाय देम, और उन्हीं के द्वारा, ही कुल गाइड द कारवां, और उन्हीं तारों के द्वारा वो उस काफिले को रास्ता दिखा सकता था. सो बच्चों, आज की वीडियो में इतने रखते हैं. इस चैप्टर की अच्छे से आपको वीडियो रीडिंग करनी है, जो भारी वर्ड्स मीनिंग है उन्हें याद करना है. इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल एंड थैंक यू.